क्या कहेंगे, आज गडकरी जी मन से कह रहे थे कि शामो पुल बहुत जल्दी बन जाएगा, मटियानी शामो पुल। गडकरी जो बोलते हैं करते हैं बस। बेगूसराय के लोगों के लिए तोहफा, ऐसा मोदी के कैबिनेट में कोई मंत्री है ही नहीं। आप देखिए ना, बनेगा तब तो, अभी तो बोले हैं नेताजी, बोल करके पीछे भी भाग जाते हैं, करेंगे काम तब। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय मटियानी विधानसभा क्षेत्र के बागडोब में हूँ। अभी कुछ देर पहले ही परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का यहाँ पर भाषण हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता पूर्व मुखिया संजीव सिंह, इनसे पूछते हैं कैसा रहा, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो पहले ही दे चुके थे हमारे प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उन्होंने सब कुछ बता दिया और इतनी बड़ी एक्सपेंस उन्होंने बेगूसराय के लिए दिया है। बेगूसराय के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश की चर्चा भी उन्होंने की। और जो उन्होंने कनेक्टिविटी के मामले में जितना कार्य किया या जितने तरह के उनके द्वारा जो कार्य हुआ है यहाँ, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। शामो पुल के लिए भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है, चुनाव के बाद एक महीने के बाद उसका शिलान्यास हो जाएगा। अभी भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, जोर पर है, और उसके बाद उस पुल को बनना है। इस बार लगता है कि जिस तरह से नितिन गडकरी जी खुद आके मंच पर घोषणा किए हैं, अब लोगों में उम्मीद जग सकती है कि अब बनना है। बनना नहीं, बनना तो पहले से तय ही था, बनना तो तय ही था। गिरिराज जी ने प्रयास किया और ये पुल का कंफर्मेशन नितिन गडकरी जी ने किया, भूमि अधिग्रहण का कार्य सब हो रहा है, कार्य प्रगति पर है और इसका शिलान्यास अब होना है, चुनाव के बाद होगा। अच्छा, प्रगति होना हो रहा है कि शिलान्यास होना है, क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? अरुण सिंह। आज आए नितिन गडकरी जी मटियानी विधानसभा में, क्या मिला खास तोहफा बेगूसराय के लोगों के लिए? शामो मटिहानी पुल के घोषणा कर दिए, अब तसल्ली हो गया, आज दे देंगे। अच्छा। लोगों को उम्मीद थी बहुत दिनों से कि शामो पुल बने। हाँ हाँ, बहुत दिनों से इंतजार, लोग चाह रहे थे। हाँ हाँ, चाह रहे थे। क्या नाम हुआ? रामजीवन सिंह। क्या कहेंगे रामजीवन जी? नितिन गडकरी जी को और शामो प्रखंड के ओर से और बेगूसराय लोकसभा की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं, जो कि शामो पुल का निर्माण निश्चित एकदम है और जमीन पर दिख रहा है, जमीन अधिग्रहण का काम चालू है और जो लोग नहीं देखे हों जा करके शामो देख लें। तो सर, अभी नितिन गडकरी जी मन से घोषणा किए हैं कि अब शामो पुल बहुत जल्द बन जाएगा। हाँ, तो क्या, तो शामो पुल तो बनबे करेगा, हम जानिए रहे, उसका सर्वे हो गया है, उस पार भी इस पार भी, उस पुल निश्चित है। ये लोगों के, बेगूसराय के लोगों के लिए एक तोहफा है। तोहफा है कि जो कह नहीं सकते हैं कैसा तोहफा है। तोहफा का कोई सीमान नहीं है, सीमान नहीं है। नहीं, नहीं। आप लोग खुश हैं उनके इस आश्वासन से? जो गडकरी जी है, मन करता है उठा करके ले जाए उनको अपना घर, हम यही रख ले। चलिए, एक बुजुर्ग है और इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज गडकरी जी मन से कह रहे थे कि शामो पुल बहुत जल्दी बन जाएगा, मटियानी शामो पुल। गडकरी जो बोलते हैं करते हैं बस। बेगूसराय के लोगों के लिए तोहफा, ऐसा मोदी के कैबिनेट में कोई मंत्री है ही नहीं, इसमें कोई संदेह की बातें नहीं। जो बोलते हैं वो करते करते और कुछ। आज जो उन्होंने कहा है शामो पुल को लेकर, क्या कहेंगे? आज तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, किसी पार्टी का उन्होंने कोई आलोचना भी नहीं किया, समझे कितना ऊंचा दर्जे का आदमी, किसी का कोई आलोचना नहीं। हम काम पर विश्वास करते हैं, काम करेंगे और आप गिरिराज सिंह को जिताइए। काम, हाँ बस काम पर, उनका वही है जो कि काम की गारंटी है, जैसे मोदी जी का गारंटी है उसी तरह उनका सहयोगी है और जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो योजना देते हैं, वह अक्षरशः पालन करके। सर कह रहे हैं कि उनके जैसा एक भी मंत्री मोदी कैबिनेट में, एक ही सब है, ये है एकाप एक है, तो फिर कहना की क्या बात। अभी वर्तमान में बेदाग है इतना। हाँ, ये बात तो चलिए। हाँ सर बोलिए। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में है, न खाता है न किसी को खाने देता है, और उसके कैबिनेट में आज तक कोई घुसखोर मंत्री है ही नहीं। तो देखिए, हमारे साथ हैं यहाँ पर शामो प्रखंड के प्रमुख हैं मनोज कुमार, क्या कहेंगे आज जो नितिन गडकरी जी आए
मटियानी में और उन्होंने कहा कि पुल बनेगा सामो पुल। ये नितिन गडकरी ने ही मुंगेर पुल के उद्घाटन के वक्त सामो पुल की चर्चा की थी। उन पर लोगों का भरोसा है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात आज कही कि इस पुल का निर्माण जरूर होगा, हम लोग आसानी थे और पुल निर्माण जरूर। आप सामो के हैं, सामो के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि पुल बने सामो मटिहानी पुल, ताकि बेगूसराय आने जाने में सुविधा हो। बहुत दिक्कत होती है बाढ़ के समय में, खास करके बहुत लोगों को परेशानी होती है। ये तो मुख्य रूप से समस्या हमारा जिला से कटा उटा हम लोग कटा छटा हम लोग हैं और ये हमारी मुख्य मांगों से, और हमारी मांग नहीं, ये अभी सामो मटिहानी पुल का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को सकारात्मक जो बातें आज इस पुल के बारे में कही है, निश्चित रूप से हमारी उम्मीदें जगी है और हम लोग आशावान्वित हैं कि इस अगले नरेंद्र मोदी की सरकार में यह पुल इस पुल का शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। चलिए तो हम अभी मटिहानी के बागडो में एक चाय की दुकान पर हैं। सभा खत्म हुई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की, उसके बाद यहाँ लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस क्या लग रहा है कि नितिन गडकरी जी आए हैं, क्या चर्चा हो रही है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम पुकार यादव हुआ। क्या आए अभी मंत्री जी आए थे, पता है ना? हाँ पता है। क्या बोले हैं? बोले कि ये पुल देंगे, चार सौ चालीस करोड़ का पुल देंगे। 4000 करोड़? 4000 करोड़ का। हाँ हाँ, सुने कि देंगे, हम तो यही सब सुने। पुल बनेगा तो फायदा मिलेगा आप लोग को? फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? फायदा उस पर हमारा विकास होगा, गाड़ी घोड़ा जाएगा, आदमी जाएगा, जाना है लखीसराय पुल पर जाएंगे, चले जाएंगे, लाव आ रहेगा, लाव पर इंतजार करना पड़ेगा, लाव नहीं रहेगा, गाड़ी पर जाएंगे तुरंत जाएंगे। एक लोग चाह रहे थे यहाँ से, बहुत यहाँ के लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि सामो मटिहानी पुल बने। हाँ सामो मटिहानी पुल बनने का हाँ सब लोग चाह रहे हैं। अब लगता है बन जाएगा? आप देखिए ना, बनेगा तब तो। अभी तो बोले हैं नेताजी, बोल करके पीछे भी भाग जाते हैं। करेंगे काम तब, काम हो जाएगा तब। हाँ काम होगा तब बुझेंगे। हाँ, काम कहे चुनाव के बाद। हाँ चुनाव के बाद। हाँ। काम होगा तब।